इससे पिछली क्लास में जो है हमने सिंचाई परियोजनाओं के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंदर हमने बहुउद्देश्य परियोजनाएं जो थी सिंचाई की वो हमने कंप्लीट करी थी, जिसमें एक तो भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में पढ़ा था, दूसरी व्यास परियोजना और चंबल परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना, इन चार योजनाओं के बारे में जो है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के क्लास के अंदर जो हम राजस्थान में वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे ऐसी परियोजना जिसमें सिंचाई क्या होती है 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, वृहद सिंचाई परियोजना कहलाती है, मतलब एरिया बहुत ज्यादा कवर करती हो, तो वो कैसी कहलाती है, वो वृहद सिंचाई परियोजना कहलाती है। तो इसमें सबसे पहली नहर जो थी वो कौन सी है, गंग नहर सिंचाई परियोजना है, जो केवल वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। ये प्रथम सिंचाई परियोजना थी अपने राजस्थान की। निर्माण की प्रक्रिया देखो, 4 सितंबर 1920 में शुरू होती है ये पंजाब से, फिर बहावलपुर और फिर उसके बाद बीकानेर आती है। रियासत के मध्य सतलज नदी पर नहर बनाने हेतु समझौता हुआ था बीकानेर रियासत के लिए। ये बीकानेर रियासत के लिए हुआ था, जब बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी थे, तो उस समय जो है ये समझौता हुआ था कि सतलज नदी जो है वो बांध बना हुआ है वहां पर, वहां से क्या है नहर बनाने का जो है प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, जो कि पंजाब से होती है फिर बहावलपुर और बहावलपुर से फिर बीकानेर आएगी। 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था, शुरुआत हो चुकी थी इसकी 1920 में जो है वो इसका समझौता हुआ था, और समझौता होने के बाद इसकी जो है वो परमिशन मिल चुकी थी बनाने की। और 21 में क्या हुआ, 1921 में इसको इसका जो है वो उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया, जिसकी वजह से क्या कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। अब देखो ये कहाँ से जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, इसका उद्घाटन देखो हुसैनी वाला हेड है पंजाब, फिर नहर निकालने के लिए वहीं से जो है ये नहर निकाली गई थी, हुसैनी वाला हेड है पंजाब में, वहां से ये निकाली गई थी और यहाँ पर क्या है इसका उद्घाटन किया गया था। और निर्माण का कार्य जो हुआ था वो पूरा हुआ था इसका 22 से लेके 27 के बीच में जो है वो गंग नहर का जो है निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो चुका था। शुरुआत किसने की थी, इसको लाए कौन थे, महाराजा गंगा सिंह जो थे उन्होंने ही इस समझौते को करवाया था, बीकानेर रियासत के राजा थे। और फिर उसके बाद जो इन्होंने इसका उद्घाटन कब किया, 5 सितंबर 1921 को किया गया था, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। और इसका उद्घाटन किया कहाँ था इन्होंने, पंजाब में हुसैनी वाला हेड है वहां से जो है वो यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। निर्माण का कार्य देखो इसको 1922 में शुरू हुआ था और 27 के बीच में जो है खत्म हुआ था, समझौता 21 में हुआ था, निर्माण कार्य जो है शुरू हुआ 1922 में और खत्म हुआ 1927 में। राजस्थान में यह नहर कहाँ से प्रवेश करती है, खक्का नाम की जगह है गंगानगर में, वहां से प्रवेश करती है ये, और शिवपुर हेड गंगानगर में ही है, शिवपुर हेड वहां तक आती है। शिवपुर हेड में इसका उद्घाटन देखो कब किया गया था, 26 अक्टूबर 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। 1927 में कब किया गया था, लॉर्ड इरविन के द्वारा गया था। जब इसकी शुरुआत हुई तब तो गंगा सिंह जी ने उद्घाटन किया था, लेकिन जब ये शिवपुर हेड में पहुंची, ठीक है, जब राजस्थान में इसने प्रवेश किया और शिवपुर हेड तक पहुंची, तब उसका उद्घाटन किसने किया, लॉर्ड इरविन ने किया। नहर की लंबाई देखो राजस्थान में 117 किलोमीटर और पंजाब में 112 किलोमीटर है। नहर से फिर नहर से शाखाएं निकाली गई, एक लक्ष्मी नारायण, समेजा कोठी, लालगढ़ और करनी, यहाँ से जो इसकी शाखाएं निकाली गई। शाखा सहित इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1280 किलोमीटर है। लाभान्वित जिले गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट है IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है, सबसे पहले देखो ये व्यास नदी और सतलज नदी है पंजाब के अंदर, ये दोनों जहां पर मिलती है वहां पर कौन सा बांध बना हुआ है, हैरी के बैराज बना हुआ है, जो कि पंजाब का बांध है और काफी बड़ा सारा बांध है ये, ठीक है। इससे पहले हमने सतलज नदी के बारे में पहले भी पढ़ा, सॉरी व्यास नदी के बारे में पहले पढ़ा था ना, जिसके मैंने बताया था कि सबसे लंबा पुल जो बना हुआ है वो ये व्यास और सतलज नदी, इन दोनों के ऊपर ही बना हुआ है, जहां पर ये दोनों मिलती है व्यास और सतलज नदी, ठीक है। तो ये काफी बड़ा सारा पुल बना है, वहीं से सतलज नदी जो निकल रही है उस तरफ से क्या है अपने पंजाब की तरफ जो है वो एक नहर निकाली गई थी, ठीक है, जो सबसे पहले कहाँ तक गई थी, ये हरियाणा तक जाती थी, पहले पंजाब में और फिर उसके बाद जो है वो हरियाणा में गई। हरियाणा में जब राजस्थान में जब प्रवेश किया ना, तो राजस्थान में लानी इतनी आसान नहीं थी, कोई भी काम होता है, प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इतनी जल्दी कोई कैसे
पानी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, कोई जल्दी से पानी के लिए राजी होना इतना आसान नहीं होता है। तो क्या है कि बहुत सारी सिफारिश वगैरह लगाना, बहुत कुछ हुआ, तब जाकर जो है वो राजस्थान में इस नहर के प्रवेश के लिए जो है वो परमिशन मिली। ठीक है, परमिशन मिलने के बाद भी क्या राजस्थान में प्रवेश किया, कहाँ पर, हनुमानगढ़ टिब्बी नाम की जगह है, वहां से जो है वो राजस्थान में इसका प्रवेश करवाया गया। पहले तो जैसे पंजाब और हरियाणा में जो है वो ये इसके द्वारा जो है वो पानी दिया जाता था, पेयजल भी और सिंचाई के लिए भी। तो ये प्रथम चरण था जो कि क्या कहलाता है, राजस्थान फीडर नहर कहलाती है। ठीक है, जब ये हरियाणा तक थी तब तो क्या कहलाती थी, राजस्थान फीडर नहर। राजस्थान में प्रवेश किया टिब्बी हनुमानगढ़, और फिर उसके बाद मसीता वाली हेड हनुमानगढ़, ये दोनों ही जगह हनुमानगढ़ में है, यहाँ पर जो है इन्होंने प्रवेश किया। उसके बाद देखो ये, उसके बाद ये वहां से गई, उसके बाद बीकानेर, सूरतगढ़, सूरतगढ़ के बाद अनूपगढ़, दतोट, बासलपुर, ये सारी की सारी जो है वो इसकी कैनाल्स है जो इस नहर के अंदर से बीच में से निकाली गई है। जो जो जिले हैं या जैसे शहर आ रहे हैं तो उस तरफ जिनको मूव करवाना जरूरी था, क्योंकि वहां पर क्या है सिंचाई के लिए कोई भी साधन नहीं था। तो यहाँ से अलग अलग तरह की कैनाल्स निकाली गई, इस तरफ भी निकाली गई और उस तरफ भी निकाली गई, दोनों तरह की नहरें निकाली गई। ठीक है, इस नहर के आगे पार्टीशन करके, जिनको क्या कहा जाता है, कैनाल्स कहा जाता है। जैसे देखो सबसे पहली है सूरतगढ़ शाखा है, फिर अनूपगढ़ शाखा है, फिर दूसरा चरण शुरू होता है तो उसके अंदर क्या आएगी, दतोर शाखा, ठीक है, बरसलपुर है, चारना वाला है, और फिर उसके बाद क्या है, शहीद बीरबल है, और उसके बाद सागरमल गोपा शाखा है, और अंत में कहाँ खत्म हो जाती है, बाबा रामदेव शाखा है गढ़रा बाड़मेर में, वहाँ ये इसका क्या कहलाता है, अंतिम बिंदु या जीरो बिंदु कहलाता है। इसके अलावा देखो इस तरफ जो है मुख्य नहरें जो है वो भी है, लिफ्ट नहर जिनको लिफ्ट नहर कहा जाता है, ये इस तरफ जितनी भी लहरें हैं वो कौन सी है, लिफ्ट नहरें हैं जो इसी नहर से निकाली गई। लिफ्ट नहर कौन सी होती है, लिफ्ट नहर में क्या होता है, जैसे पहले तो बिल्कुल नीचा होता है और फिर उसके बाद अचानक से ऊंचाई आ जाती है, ऊंचाई आने पर क्या कई तरह के बांध या किसी भी तरह से बनाकर जो है उसको वापस से ढलान पर लाया जाता है, तो वो लिफ्ट नहरें कहलाती हैं। तो इस तरह की लिफ्ट नहरें देखो कौन सी है, एक तो चौधरी कुंभाराम लिमिटेड नहर है, कंवर सेन लिमिटेड नहर है, कंवर सेन के द्वारा ही इस नहर का निर्माण करवाया गया था, पन्ना लाल भारूमल है, वीर तेजा जी है, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है, और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है। अब फिर देखो उसके बाद यहाँ से देखो जैसे मोहनगढ़ और जैसलमेर, वैसे तो क्या है लास्ट में मोहनगढ़ जैसलमेर में खत्म हो जाती है, लेकिन आगे जाकर जो है इसका पॉइंट आगे और बढ़ा दिया गया, उसके बाद क्या उनसे आ गया था 0 पॉइंट बाड़मेर के अंदर है, जो कि बाबा रामदेव शाखा इसके अंदर से निकाली गई है आखिरी में। तो ये तो है पूरा डायग्राम के थ्रू, इसके बाद ये में जो है हम इसके बाद थ्योरी में पढ़ लेते हैं। तो यह है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी जो है वो कृत्रिम सिंचाई परियोजना मानी जाती है। उपनाम देखो इसके IGNP क्या क्या है, मरु गंगा इसको कहा जाता है, मरुस्थल के लिए तो गंगा की जैसी ही है ना, क्योंकि वहां तो कोई ना नहर है ना नदी है। ठीक है, बरसाती नदियां भले ही आ जाए लेकिन अलग से कोई नहर नहीं है पश्चिम मरुस्थल की तरफ, तो वहां पर क्या है जैसे बीकानेर और चूरू में कोई भी नहर नहीं है या कोई भी नदी नहीं है, नहर तो बाद में निकाली गई, नदी नहीं है वहां पर, तो देखो ये मरु गंगा इसी वजह से इसको कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है क्योंकि पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए जो है वो ये यूज होती है। फिर उद्गम देखो इसका हमने बता दिया था आपको, हैरी के बेराज बांध पंजाब से सतलज और व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है, इन दोनों के संगम पर जो है बैराज, हैरी के बेराज बांध बना हुआ है, और वहीं से ये क्या निकाली गई है, IGNP नहर निकाली गई है। परनेता यानी कि इसको मतलब इसके लिए कहने वाले सबसे पहले बनवाने वाले कौन थे, बीकानेर के नरेश शार्दुल सिंह थे, जिस तरह से गंग नहर को निकालने वाले गंगा सिंह जी थे, उसी तरह से जो है वो IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के परनेता कौन कहलाते हैं, शार्दुल सिंह कहलाते हैं, जो कि क्या थे एकीकरण के समय बीकानेर के राजा थे। इंजीनियर इसके कंवर सेन थे, मैंने अभी आपको डायग्राम में बता दिया था, इन्हीं के नाम से एक लिफ्ट नहर भी निकाली गई है। IGNP को पहले क्या कहा जाता था, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि IGNP को पहले जो किस नाम से जाना जाता था, या राजस्थान नहर के नाम से पहले किस नहर को जाना जाता था, दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। 1984 में इसे क्या कहा गया था, IGNP नाम दिया गया था, तो इसको नाम कब दिया गया था, 84 में। लाभान्वित राज्य पंजाब, शुरुआती वहीं से होती है, फिर हरियाणा और फिर उसके बाद राजस्थान। कंवर सिंह 1948 को केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट लिखता है जिसमें क्या लिखता है, बीकानेर रियासत हेतु पेयजल आपूर्ति रिपोर्ट लिखेगा। रिपोर्ट में क्या लिखेगा कि बीकानेर के अंदर जो है वो पानी की व्यवस्था नहीं है या सिंचाई पेयजल
परियोजना के लिए, इन दोनों के लिए हमें जो है वो इस तरह से नहर निकालनी है जो कि यहाँ तक पहुंचे और जो है हमारी पानी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सके। तो इस तरह की रिपोर्ट जो ये लिखते हैं, जिसके अंदर पहली हेडिंग डालते हैं बीकानेर रियासत हेतु पेयजल आपूर्ति। उद्घाटन 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री थे उस समय गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया था। इसका चरण जो है वो दो चरण के अंदर पूरा होता है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। अब देखो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक तो राजस्थान फीडर जो कि क्या है, हैरी के बैराज से मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक है जो कि राजस्थान फीडर कहलाती है। इसकी लंबाई यहाँ से लेके कहाँ तक है, ये है इसकी 204 किलोमीटर है। हैरी के बैराज से मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक जो है वो राजस्थान फीडर कहलाती है ये, और उसकी लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर है। मुख्य नहर का निर्माण जो कहाँ से किया जाता है, मसीता वाली हेड से पुगल तक यानी कि बीकानेर तक किया जाता है। इसकी लंबाई कितनी है, 189 किलोमीटर है। दूसरा चरण आ जाता है पुगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक। पहला तो कहाँ से आ रहा है, जैसे देखो प्रथम चरण था उसके अंदर तो राजस्थान फीडर हैरी के बैराज से मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक, और उसके बाद देखो हनुमानगढ़ से लेके जो है वहां तक कितनी है, 204 किलोमीटर है। और मुख्य नहर का निर्माण जो है वो मसीता वाली हेड से लेके पुगल बीकानेर के अंदर एक जगह है पुगल पांटा नाम की जगह है, वहां पर जो है वहां तक जो है इसकी लंबाई है जो कि है 189 किलोमीटर है। फिर वह दूसरा चरण आ जाता है पुगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक जो कि लंबाई कितनी है इसकी, 256 किलोमीटर है। इस नहर के जाने के बाद जो है वो वहां पर सिंचाई की व्यवस्था ही अलग हो गई है। जैसे पहले बाग वगैरह नहीं लगाए जाते थे तो अब उनकी व्यवस्था हो चुकी है क्योंकि सिंचाई के अलग अलग साधन मिल गए हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी नहर जा रही तो पानी कभी कम नहीं होता है, तो क्या है कि उसकी वजह से सिंचाई के जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरह से होने लग गए हैं, तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। वर्तमान में सिंचाई देखो कितनी भी की जाती है, 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर जो है वो वर्तमान में इससे सिंचाई की जाती है। इस नहर से ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कितने हेक्टेयर भूमि पर जो है वो वर्तमान में IGNP से सिंचाई की जाती है, 16.17 लाख है। शाखाएं देखो इसकी 9 है और लिफ्ट नहर भी कितनी है इसकी, 9 है। ये जितनी भी मैंने आपको शाखाएं बताई थी ये तो शाखाएं होंगी, और ये इसकी कौन सी होगी, इस साइड वाली सारी लिफ्ट नहर है, तो 9 ही लिफ्ट नहर है और 9 ही क्या है इसकी शाखाएं है। शाखाएं देखो 9 कौन कौन सी है, सबसे पहले रावतसर शाखा जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, एकमात्र शाखा बाई ओर से रावतसर शाखा है, ये देखिए ये एकमात्र शाखा है जो कि बाई ओर से है, बाकी सब दाई ओर से है, तो एकमात्र शाखा बाई ओर से है। इसी की अन्य शाखा कौन सी है, नौरंगदेशर शाखा है, और इस शाखा पर 11 अक्टूबर 1961 में इसमें जल का उद्घाटन किया गया था। फिर नेक्स्ट आ जाती है सूरतगढ़ शाखा, ये देखिए ये रही सूरतगढ़ शाखा। नेक्स्ट सूरतगढ़ शाखा कहाँ है, गंगानगर के अंदर है। अनूपगढ़ शाखा गंगानगर प्लस बीकानेर के अंदर है। फिर अब पुगल शाखा ये केवल बीकानेर में है, दांतोर बीकानेर में है। फिर बिरसलपुर शाखा है ये बीकानेर में है, चारण वाला बीकानेर प्लस जैसलमेर में है, शहीद बीरबल जैसलमेर में है, सागरमल गोपा जैसलमेर में। अगर आप इनको इसी सीक्वेंस में याद रखते हो तो जिलों के नाम बहुत ही आराम से याद आ जाएंगे, क्योंकि पहले हनुमानगढ़ है, फिर गंगानगर, बीकानेर और फिर अंत में जैसलमेर है। सबसे पहले कौन सी थी, हनुमानगढ़ में रावतसर शाखा है, फिर गंगानगर में देखो दो है, सूरतगढ़ शाखा और अनूपगढ़ शाखा, जिसमें से अनूपगढ़ शाखा बीकानेर के साथ जुड़ी हुई है। इनमें से सारी की सारी लगभग बीकानेर के अंदर ही है, अनूपगढ़ आदि गंगानगर में है और आदि बीकानेर के पास चली जाती है। तो पुगल शाखा है बीकानेर, दांतोर बीकानेर में, बिरसलपुर शाखा ये भी बीकानेर में, चारण वाला ये बीकानेर प्लस जैसलमेर है, और शहीद बीरबल सागरमल गोपा ये दोनों ही जैसलमेर के अंदर है। ये सारी की सारी क्या है, शाखाएं हैं। अब लिफ्ट नहरें देख लेते हैं। लिफ्ट नहरों के देखो पहले तो पुराने नाम थे, फिर उसके बाद इनके नाम जो है वो चेंज किए गए। वैसे तो देखो 7 होती हैं, लेकिन अन्य दो लिफ्ट नहर और भी हैं। देखो सबसे पहले कौन सी है, चौधरी कुंभा राम लिफ्ट नहर, पुराना नाम था इसका नौहर सहवा। जिले कौन से हैं इसके, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, ये 3 जिलों के अंदर जो है वो ये लिफ्ट नहर है। ठीक है, चौधरी कुंभा राम ये पहली लिफ्ट नहर है। फिर उसके बाद कंवर शेर लिफ्ट नहर है, लून कंसर से शेर लिफ्ट नहर जो है इसका पुराना नाम था। जिले हैं इसके गंगानगर, बीकानेर। बीकानेर की जीवन रेखा कहलाती है कंवर सैन लिफ्ट नहर, मुख्य नहर है बीकानेर की। ठीक है, पन्ना लाल भारूपाल पुराना नाम है इसका गजनेर लिफ्ट नहर, जो कि बीकानेर और नागौर के अंदर है।
वीर तेजा जी लिफ्ट नहर है, ये भैरूडा बागड़ नहर कहा जाता था इसको, पुराना नाम है इसका, जिला कौन सा है? बीकानेर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, लिफ्ट नहर फर्स्ट है इसकी चौधरी कुमाराम लिफ्ट नहर, पुराना नाम नौहर सहवा, जिले हैं हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू, कंवरसैन लिफ्ट नहर है, लूणकरसर लिफ्ट नहर पुराना नाम था ठीक है, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, कंवरसैन लिफ्ट नहर कर दिया गया, जिले हैं इसके गंगानगर बीकानेर, बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है क्योंकि पेयजल की व्यवस्था इसी से की जाती है, पन्ना लाल भारूपाल है पुराना नाम गजनीर लिफ्ट नहर, जिले बीकानेर नागौर, वीर तेजा जी लिफ्ट नहर, भैरूडा बागड़ शहर है और जिला है बीकानेर। फिफ्थ है करणी सिंह, कोलायत लिफ्ट नहर कहलाती है जो कि बीकानेर प्लस जोधपुर के अंदर जो है वो ये आती है। फिर है गुरु जम्बेश्वर फलोदी लिफ्ट नहर कहा जाता था पहले इसको, जो कि बीकानेर जैसलमेर और जोधपुर के अंदर है। फिर जैनरायन व्यास लिफ्ट नहर है जो कि पोकरण लिफ्ट नहर के कही जाती थी पहले, और जिला है इसका जैसलमेर और जोधपुर। तो ये सारी की सारी लिफ्ट नहरें और शाखाएं हैं, कई बार लिफ्ट नहरों से रिलेटेड क्वेश्चन आते कि कौन से जिले की है, या फिर इनका पुराना नाम दे दिया जाता है, नया नाम पूछ लिया जाता है, या नया नाम देकर पुराना नाम पूछ लिया जाता है, तो इसमें से क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। अन्य दो लिफ्ट नहर और कौन सी है जो बाद में बनी, नागौर लिफ्ट नहर केवल नागौर में है, और राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो है वो जोधपुर में है। लाभान्वित जिले देखो, 8 तो सिंचाई के लिए और 10 किसके लिए है, पेयजल के लिए। अब देखो 8 कौन कौन से हैं, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर हनुमानगढ़ चूरू नागौर और जोधपुर, ये 8 जिले जो है सिंचाई के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। और पेयजल के लिए देखो 8 तो सिंचाई के है ही है ठीक है, ये कोई जरूरत थोड़ी कि इनका सिंचाई के लिए प्रयोग है, इनका पेयजल के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा केवल पेयजल के लिए देखो झुंझुनू और सीकर है, यहाँ पर इससे सिंचाई नहीं की जाती है, यहाँ पर केवल ये पेयजल के लिए प्रयोग की ली जाती है झुंझुनू और सीकर। तो एक अलग सा क्वेश्चन बन जाता है कि IGNP नहर में से केवल पेयजल के लिए जो लिफ्ट नहर निकाली गई है उसका प्रयोग किस जिलों में होता है, तो वो झुंझुनू और सीकर है। इसके अलावा 8 जिले जो है वहां पर सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए प्रयोग ली जाती है, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर हनुमानगढ़ चूरू नागौर और जोधपुर। नेक्स्ट क्लास में हम नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे।